Vou infection value. समझदार लोग हैं, और दूसरी तरह उनको भयभीत भी किया, बुरी तरह डरे हुए लोग। अगर इनके खिलाफ जाएंगे, जो अभी संजय ने बहुत अच्छा जिक्र किया डिमोनिटाइजेशन का, अपनी पावर जैसे दिखा रहे हैं हर चीज पे, उससे लोग डरे हुए हैं। ठीक है, सबके मन में है कि कहीं डिमोनिटाइजेशन में क्या गया कि मैं भी पैसा चोरी कर रहा हूँ तो मेरा पैसा भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके खिलाफ जो लड़ाई है, तो श्रमिक वर्गों में शुरू से हमला है और आज भी है, और हर तरह की श्रमजीवी समाज में, चाहे आप असंगठित मजदूरों को ले, जिनके साथ तो बहुत पहले से हो रहा, संगठित मजदूरों की देखे, आज रिलायंस के वर्कर्स जेल में है, सिर्फ इस बात के लिए अपनी इकोनॉमिक राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। मारुति के वर्कर मॉडल चार्ज में जेल में है, 8-10 साल हो गए। पूरी जो ऑपरेशन है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जंगल में जमीन वहां तक, पता नहीं कितने कश्मीर बनी हुई है ट्राइबल एरिया में, तो है ही पहले से। आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सीधा हमला हो गया, और इस बात को तमाम मध्यम वर्ग के लोगों को समझना होगा कि आप भी सेफ नहीं है। डर, सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा, आपको उस संगठन से कैसे जुड़ेंगे। तो चुनौती ये है कि सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लड़ने में हम कैसे खड़े हो। मेरे लिए चुनौती नहीं है कि मैं डेमोक्रेटिक राइट को बचाऊं कैसे, हमको डेमोक्रेटिक राइट को हासिल करना है, और वो हासिल मिलजुल के करना है। मैं माफ कीजिएगा, मैं कंक्लूजन में जंप कर, वर्कशॉप प्रॉब्लम है, इसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि चुनौती हमारे ऊपर जो है वो सत्ता को चैलेंज करने का है, सत्ता से बचने का नहीं है। और जमहूरी हक का, डेमोक्रेटिक राइट्स का बुनियादी सवाल ये है कि हम सत्ता के को चैलेंज करें, और उसके लिए जो भी जरूरत है उसकी तरफ जाए। और ऐतिहासिक तौर पर देखें कि श्रमजीवी समाज इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, और बल्कि उनकी उनकी लीडरशिप में चलनी चाहिए, क्योंकि वो इसको झेल रहे हैं बहुत सालों से। ऐतिहासिक रूप से उनके साथ ये जुल्म चल रही है, और इसको एक तरह से उन्होंने इसको अंदर समा लिया है, और समय समय पे जब निकलता है तो हमको अब दिखाई नहीं देता है, जबकि इस समय देश के अंदर इस जुल्म के खिलाफ संघर्ष भी बहुत चल रहे हैं, जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, लेकिन जुल्म के खिलाफ जो संघर्ष है उसको भी देखना चाहिए, चाहे वो जमीन की लड़ाई हो, जंगल की लड़ाई हो, पानी की लड़ाई हो। और आज ऑर्गेनाइज सेक्टर भी इस समय देश के 83-84 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1 महीने की हड़ताल में है, निजीकरण के खिलाफ। रेलवे में भी होने जा रहे हैं, बैंक इंश्योरेंस सब जगह लड़ाई है। कल कल बैंकों का हुआ है, बैंक यूनियन क्या पोजीशन लेंगे, उनका पुराना पोजीशन जो इसका विरोध करते रहे हैं करेंगे। और जो जमीनी लड़ाई चल रही है, अब जितना भी कहीं भी भारत के कोने में जाए, जितना प्रोजेक्ट्स आ रहा है, चाहे पीपीपी में आ रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज्यादातर जगहों में लोगों ने विरोध किया है और कर रहा है। आज भी नर्मदा के साथी लोग लड़ रहे हैं, मेरा वहीं से आई है, तो उसको भी देखना चाहिए। हम अक्सर इस दवा में भूल जाते हैं कि मामला एक तरफा नहीं है, अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ लड़ाई भी है। दिक्कत यह है कि वो लड़ाई टुकड़ों में बटे हुए, अपने अपने लोकल क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में, उसमें तालमेल नहीं है। जरूरत है यार डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को, जनवादी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, चाहे PUCL, PUDF, वो बड़े, मेरा माफ कीजिएगा, वो बहुत सीमित दायरे में आप लोगों ने काम किया है। इमरजेंसी के बाद पैदा हुए थे, इमरजेंसी से पहले CFD था,
UCL वगैरह है, तो ये उम्मीद थी कि सारे चीज़ें उठाएंगे जो 70s के जो स्लोगन्स थे डेमोक्रेटिक राइट्स के, लेकिन बहुत सीमित दर्जे में रहे। वर्किंग क्लास मूवमेंट के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ते नहीं बना मेरी जानकारी में, तमिलनाडु वगैरह में हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ऑफ इंडिया में देखेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट का आम मन मेहनत कशों की लड़ाई के, जो जिसको आप लोग आदिवासी लड़ाई बोल रहे हैं, दलित लड़ाई बोल रहे हैं, बुनियादी रूप से उनमें श्रम की लड़ाई है, श्रम के अधिकार की लड़ाई है, वो जल जंगल जमीन पे अपना हक चाह रहे हैं, अपने मिल्कियत चाहते हैं, और कानून भी है, संविधान भी है, और उस पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है, उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज मिडिल क्लास को भी मेहनत कश लोगों की जो बुनियादी राइट्स है, बुनियादी इंटरेस्ट है, बुनियादी मांग है, उसके साथ जोड़ना का जरूरत है, जो हम लोग भूल गए पिछले 40-50 साल में, गैप बढ़ गया है। आज इसीलिए एक बड़ा अच्छी से चुनौती यह है कि जनवादी अधिकार आंदोलन को व्यापक बनाने की ज़रूरत है, और सबसे अहम भूमिका श्रमजीवी समाज की इसमें है, और जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और इसको बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। कम से कम हम लोग कश्मीर के इशू में हम लोग इकट्ठे हुए, इसी तरह की छत्तीसगढ़ में जो या झारखंड में इस समय जो आदिवासी ऊपर कल सेशन है, इस पर जो हमला हो रहा है, इसमें पूरी समाज को कैसे जुड़ेंगे हम लोग, उसकी ज़रूरत है। ये अलग अलग लड़ाई की जो परंपरा है, अलग अलग लड़ाई की, और उसी को हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। मैं आंदोलन करे साथियों के भी कमी देखता हूँ इसमें, हम लोग जिस लड़ाई में लड़े हुए उसी को सब कुछ देखते हैं, उससे बाहर नहीं देखते। एक किस्म की पैरोकेलिज्म बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत मजबूत पैरोकेलिज्म है, इससे बाहर आना जरूरी है, क्योंकि इस समय साफ है कि लड़ाई बहुत सेंट्रलाइज्ड है, पूंजीवाद के साथ सबसे गरीब लोगों की लड़ाई इस समय सीधी लड़ाई चल रही है। इतिहास में एक बहुत अभूतपूर्व परिस्थिति है कि पूरी पूंजीवाद के साथ जल जंगल जमीन पर रहने वाले लोगों की मेन लड़ाई हो रही है, और फैक्ट्री वाले से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं जितना ये लड़ाई है, और उसकी तरफ आपको कोई लिटरेशन नहीं मिले। मैं शिक्षा के लोगों के लिए खास कर कहूँगा कि हमारे इतिहास में स्कूल कॉलेज में आदिवासियों के इतिहास के बारे में बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे पास क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन लेने में, वो बोलते हैं कि हमें तो पढ़ाया नहीं गया कि आदिवासियों के इतिहास क्या है, दलितों के इतिहास क्या है, क्या संबंध है उनका समाज के साथ। जैसे वो समाज से बाहर है, ठीक है, मानते हैं मेन स्ट्रीम से बाहर है, लेकिन मेन स्ट्रीम से बाहर रहते हुए भारतीय तो है, तो उन भारतीयों का खबर क्यों नहीं है? आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। हमारे जो रजीम है, शोषण करने वाले हैं, वो अपना तरीका बदलते हैं, मूलभूत पहले भी होता रहा है लेकिन शक्ल बदल रहे, तरीके बदल रहे, तो आंदोलन का भी तरीका बदलना चाहिए, नए नए तरीके से इजाफा होना चाहिए। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि समझदार मध्यम वर्ग के लोग श्रमजीवी समाज के आंदोलन के साथ जुड़े, और विनम्रता के साथ जुड़े, पेट्रोनाइजिंग ना करें, एक साथ चलने की हुकूमत बने, जो थोड़ा बहुत पिछले साल मुंबई की हमारे मार्च में दिखाई दिए थे, वो मिसाल होना चाहिए। शुक्रिया। तखल्लुस मेरा नाम असलन शायरी लिखता हूँ उर्दू की, मासूम शाह है, पंजाब से हूँ। मैं कुछ दो नज़में पेश करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें दो मिनट में मुकम्मल कर दूँगा। पहली है तकसीम, इट्स अबाउट पोटेंशियली द सेकेंड पार्टीशन दैट वी आर गोइंग टू, इट वाज रिसेंटली पब्लिश इन द इंडियन कल्चरल फोरम। सुन लीजिएगा। खो गया कहीं मेरा दोस्त मेरा वतन, खो गया कहीं मेरा दोस्त मेरा वतन, गुम हुआ कहीं मेरा जोश मेरा जुनून, चमन में थी न खुशबू न सरोवर में चांद, चमन में थी न खुशबू न सरोवर में चांद, खाक में थी न रंजिश
न पत्थर में जान, खाक में थी न रंजिश न पत्थर में जान, बोया था जो बीज उखड़ नहीं पड़ता है आज, बोया था जो बीज उखड़ नहीं पड़ता है आज, चीरी थी जो चादर पिरोती नहीं है आज, चीरी थी जो चादर पिरोती नहीं है आज, हाँ सोचा था फुरकत में मोहब्बत जमा होती है, हाँ सोचा था फुरकत में मोहब्बत जमा होती है, हाँ सोचा था साए में भी सोबत जिया करती है। शुक्रिया। ये एक छोटी नज़म थी और अब एक शुक्रिया आपका। अगली नज़म हम छोटी सी पेश करना चाहेंगे, गम मंजर हिंद अपने। I don't know if you, maybe I should translate what I said. Do people understand Urdu anymore? Sorry. Maaf kijiyega. Ye mera watan na muradon ki sarzamin, ye mera watan na muradon ki sarzamin, thi wo kabhi insaan farishton ki sarzamin. Ho bhi koi bhi ban jata hai is numainda is basti ka, कोई भी बन जाता है। 1984 जब अगर आप याद करें, हम लोग भूल जाते हैं कि 1984 क्यों, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के इशू को इसी कांग्रेस राज ने, जब आरएसएस ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और आरएसएस ही बना दिया कांग्रेस को, तो कांग्रेस का पहला इशू था कि सबसे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सिख, सबसे पहले इसको टारगेट कर दिया और इसको इतना टारगेट किया कि ब्लू स्टार ऑपरेशन आपके सामने हुआ। इस देश की एक महिला प्रधानमंत्री को जान से जाना पड़ा, हालात क्या हुए हमने उस देश को देखा। उनके सामने था कि जब इनको दबा दिया गया है तो दूसरा टारगेट उनके साथ मुस्लिम था। मैं समझता हूं आप लोग सब बैठे, आज देश डिवाइडेड है, मुसलमान को कोई भी आप हो या मैं हूं, उनको किराए पे मकान नहीं देने के लिए तैयार, उनको अपने पास बिठाने के लिए। हालात जिस रास्ते पर हैं हम उस रास्ते को डिस्कस ही नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ भाषण देते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुना लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा लिखा है कि राजीव गांधी की जो पहली सरकार थी वो हिंदू राष्ट्र की पहली सरकार थी, उसी का बेनिफिट ये आरएसएस वाले उठा रहे। क्या उनमें बाबरी मस्जिद का दरवाजा नहीं खोला? क्या उसमें सारे ही वो काम नहीं हुए जो वो करना, जो आरएसएस करना चाहती थी? बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है, किसी ने तो राजीव गांधी को लिख के दिया हो, आज भी उनकी जान नहीं छोड़ रहा। इश्यूज को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला। हर्षमंदर जी बैठे, ये कई बार बात करते हैं। एक बात और, 1992 कैसे हो गए? हर मुस्लिम लगा कि ये क्रिमिनल है, जैसे हर सिख लग रहा था ये खालिस्तानी। आज मैं एक और बात आपको स्पष्ट कर, जो हालात कश्मीर में हुए और सिखों ने कश्मीर के साथ डायरेक्ट खड़े हो गए, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, आज सिख पूरे का पूरा कश्मीर के साथ खड़ा। आप खड़े हो या ना हो इशू नहीं है हमारे सामने। पहला पंजाब है जिसमें सेकुलर डेमोक्रेसी से इस बार की इलेक्शन आप देखें तो 13 सीट में 8 सीट कांग्रेस जीत रही है। एक मुस्लिम जहां 0.05% मुस्लिम है वहां से एक लोकसभा का इलेक्शन जीत गया। आप लोग कहां थे? ये सारे का सारा राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये कहां था? कोई डेमोक्रेटिक नहीं था। मैं समझता हूं कि पंजाब में जो आवाज उठी है और सिख रेफरेंडम जो 2020 आ रहा है, जो हालात बनने जा रहे हैं, मुझे तो डर है कहीं ये एक आवाज 1946 में जब मास्टर तारा सिंह अरेस्ट हुए थे वो आवाज दोबारा ना उठ जाए कि धोती टोपी जमुना पार राज करेगी सिंह सरकार, फिर कौन रोकेगा उनको, फिर कौन रास्ता बनाएगा? जब 1.5% आबादी ने प्रधानमंत्री की जान ले ली गई, वो 1.5% आप नहीं बचा सके, किसी को नहीं बचा सके। मैं समझता हूं आज जरूरत है आप सब लोगों के इकट्ठा होने की। मैं तो एक संदेश है मेरा, तो मैंने ऑल इंडिया पीस मिशन के तौर पर हमने पिछले 10 साल से काम किया, मुझे पता था, मुझे डर था। मैंने उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको लिखा
कि मैंने 3 चैप्टर लिखे कि सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, विजे विज हिंदू क्या सोचता है। आज जरूरत है इसको एड्रेस करने की, और सरदार मनमोहन सिंह के सामने मैंने लिखा था 2011 में, ये आप सरकार को नहीं बचा सकेंगे, आगे आने वाली सरकार आरएसएस की सरकार होगी, ये सरकार मोदी और या किसी की नहीं, आरएसएस की सरकार होगी, आप उसको नहीं बदल सकेंगे, ये हालात आपके सामने। अगर एड्रेस करना है तो सीधा आरएसएस करो, क्या किस बात को आप एड्रेस करना चाहते हैं? सरकार में तो आप बैठे हैं, मैं बैठे, राजीव गांधी बैठे हैं, मनमोहन सिंह बैठे, सरकार का क्या हो सके? सीधी बात है कि आरएसएस को एड्रेस करो, आप लोगों के सामने है, मैं तो केवल इतनी अपील कर सकता हूं। आपका ऑल इंडिया पीस मिशन, थैंक यू, शुक्रिया। एंड आई विल जस्ट ऐड दिस सेंटेंस।